ध्यान से सुने, एक प्रचारक इंग्लैंड में हुआ करते थे, स्मिथ विल्सबर्ग नाम था उनका। इस प्रचारक की सभा में एक व्यक्ति आया जिसकी दोनों टांगों से पैर कटे हुए थे, टांगों में पैर बिल्कुल भी नहीं थे, पैर कटे हुए थे। इसके लिए इस प्रभु के दास ने भविष्यवाणी करके कहा, जाओ कल तक तुम्हें पैर आ जाएंगे। और इस व्यक्ति ने पूरा विश्वास किया कि कल सुबह तक मुझे पैर आ जाएंगे। ये पूरी रात सोया नहीं, ये सोचने लगा कि जब मेरे पैर आ जाएंगे मैं जूते कैसे पहनूंगा, किस प्रकार के, किस ब्रांड के जूते पहनूं, किस डिजाइन के जूते मैं पहनूं। ये बहुत अमीर व्यक्ति था, इसको पैसे की चिंता नहीं थी, लेकिन ये सारी रात ये सोचता रहा मुझे दी बेस्ट शू पहनना है, सबसे अच्छा अलग डिजाइन का अपनी पसंद का जूता कल मैं पहनूंगा। सारी रात सोचता रहा फलानी दुकान अच्छी है, वो शॉप ब्रांडेड है, इस ब्रांड का, उस ब्रांड का, इस शॉप से, उस शॉप से मैं खरीदूंगा। सारी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह ही उठा, नहा धो के तैयार हुआ, अपने नौकर को बोला चल गाड़ी निकाल, और नौकर को बोला किसी बढ़िया ब्रांडेड शू की दुकान पे मुझे ले जा। नौकर बड़ा हैरान हो गया कि मेरे मालिक को पैर तो नहीं है, जूते किसके लिए खरीदने के लिए जा रहा है। आखिर नौकर उसको एक बेहतरीन ब्रांडेड शू की दुकान पर ले जाता है और वहां दुनिया भर के जूते वो देखता है, लेकिन एक भी डिजाइन उसको पसंद नहीं आता है। फिर दूसरी दुकान पर जाता है, बहुत सारे जूते निकलवा के देखता है, कोई भी जूता उसको वहां पसंद नहीं आता। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सैकड़ों जूते देख चुका है, बहुत सारी दुकानें बदल चुका है। आखिर एक दुकान पर एक जूते की जोड़ी देखता और उसको पसंद आ जाती है, उसको बोलता ये मुझे पसंद है। दुकानदार पूछता है ये जूता आप किसके लिए ले रहे हैं, इतना महंगा जूता है, आप किसके लिए इस जूते को लेना चाहते हैं। उसने बोला किसके लिए, मेरे अपने लिए। जी हां, दुकानदार हैरान हो गया, वो सोचने लगा कैसी मजाक कर रहा है, इसके तो पैर है ही नहीं और इसने बिना वजह मुझे परेशान किया, इतने जूते निकलवा के रख दिए और अब मजाक करता है कि अपने लिए। थोड़ा सा उसे अच्छा नहीं लगा और इसी बीच उसने, व्यक्ति ने क्या किया, एक जूता उठाया, नीचे रखा और अपनी टांग को सीधा उसमें पिरो दिया, और जैसे ही टांग को अंदर जूते में पिरो दिया, डाल दिया, वैसे ही अंदर अंदर उतना ही लंबा पैर बन गया जो जूते में फिट आ सके। दुकानदार की आंखें फट गई, हैरान हो गया, और फिर उसने दूसरे जूते में भी ऐसे ही किया, अपनी टांग को रखा और जैसे ही टांग को रखा जूते के अंदर उतने ही साइज का पैर बन गया और दोनों जूते उसको आ गए फिट, और वह बहुत खुश था और दुकानदार तो बहुत हैरान था। वो खड़ा हुआ और उसने जूते पहन के चला फिरा, देखा कि वो कितने कंफर्टेबल हैं, और उसने बोला अब ये जूते मुझे चाहिए, उसकी कीमत चुकाई और जूते लेके वहां से चल दिया। ये इतना बड़ा आश्चर्य क्रम था कि पूरे शहर में और जगह जगह शहरों में इसका हल्ला मचा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोगों के लिए भविष्यवाणियां होती है वो रिसीव नहीं करते, लोगों के लिए भविष्यवाणियां होती है वो विश्वास नहीं करते, और जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे चमत्कार आपकी जिंदगी में नहीं होगा। जो भी परमेश्वर का दास आपके लिए भविष्यवाणी करता है आप विश्वास करें,
परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। अगर परमेश्वर पैरों को खड़े खड़े एक वर्ष जूते के अंदर ही बना सकता है इमीडिएटली तुरंत, तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। ये आश्चर्य कर्म मैं बता दूं, एक मुर्दे को जिंदा करने से भी बढ़कर आश्चर्य कर्म है। इससे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है अगर आप परमेश्वर के दांत की जुबान पर विश्वास करें। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जीवन के हर मोड़ पर ढूंढो तुझको मैं सदा, जीवन के हर मोड़ पर ढूंढो तुझको मैं।